लेटेस्ट अपडेट में ओला ने ऐसे फीचर दे दिए जो इस 8 लाख वाली कार में आते हैं। फर्स्ट है प्रॉक्सिमिटी अनलॉक। तो जैसे ही मैं ओला स्कूटर के पास आऊंगा, मेरा फोन उसे डिटेक्ट कर लेगा और फिर ओला स्कूटर ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। इसे सेटअप करने के लिए स्कूटर के सभी साइड्स को फोन से स्कैन करना पड़ता है, बाकी का प्रोसेस आपको सेटअप के टाइम पे पता चल जाएगा। सेकेंड है ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर। तो सपोज मुझे यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, तो मैं इंडिकेटर टर्न ऑन कर दूंगा एंड लेफ्ट टर्न लेते ही कुछ ही सेकंड्स में इंडिकेटर्स ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएंगे, जैसा कि कार्स में होता है। और इस फीचर को आप ओला स्कूटर में ही एनेबल कर सकते हो। थर्ड है क्रूज कंट्रोल। वैसे तो ये फीचर पहले से था, बट अब ये इको मोड में भी वर्क करता है। तो सपोज मुझे 45 की स्पीड पर क्रूज करना है, तो मैं आर बटन प्रेस कर दूंगा जिससे ये एक्टिवेट हो जाएगा, एंड जैसे मैं ब्रेक दबाऊंगा या एक्सेलरेट करूंगा तो क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट हो जाएगा। एक और बहुत अच्छा सेफ्टी का फीचर है, दैट इज फॉल डिटेक्शन, जिसमें अगर स्कूटर गिर जाता है तो एक्सेलरेशन काम करना बंद कर देगा, जो काफी जरूरी है किसी भी टू व्हीलर में।